हेलो दोस्तों नमस्कार। 18 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उस पेपर में कंसेप्ट से तो आ रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे 17 अगस्त को पेपर हुआ और जो पुराने पेपर आ रहे हैं उससे रिपीट हो रहा है। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। जिससे सबसे ज़्यादा धनात्मक तत्व, खीरे संबंधित, प्रतिरोध से संबंधित, केमिकल रिएक्शंस, तारे, नीति आयोग, मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, मुगलों ने पहला अपना, ये अपना हिस्ट्री से रिलेटेड आया, मुगलों ने पहला मॉडर्न सिटी कौन सा बनाया था, तो वो था फतेहपुर सीकरी बनाया था। ओके, दूसरा क्वेश्चन था, नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है, ये ऑप्शन थे बिहार, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। तो इस नीति आयोग के 2022 के हिसाब से सबसे गरीब कौन सा है, बिहार। ओके, और नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है 2015 में। ओके, किसकी किसको नाम चेंज किया है, योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या किया गया है, नीति आयोग। ओके, तीसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहला कॉमर्शियल बायोमास हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है, कॉमर्शियल है। ओके, तो खांडवा में लगाया गया है। सबसे ज़्यादा धनात्मक तत्व कौन सी है, अभी एग्जाम जो इसमें दे रखे हैं, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकन, ओरम और सीजियम। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा धनात्मक तत्व कौन सी है, सीजियम 55। ओके, इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब लागू हुआ था, तो जो राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था, वो 1963 में लागू हुआ था, 1963 में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन, इनमें से सही है, क्वेश्चन क्या है, इनमें से सही क्या है, तो ये मैं सही वाला ही बता रहा हूँ। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, ट्रोपिज्म मतलब खींचना, यानी प्लांट ग्रो टुवर्ड्स वाटर। सातवां क्वेश्चन, हैदराबाद लिबर्टी फेस्टिवल में कौन सा देश चीफ गेस्ट था, अभी अभी मनाया 2022 में हैदराबाद लिबर्टी फेस्टिवल जो था उसमें चीफ गेस्ट कौन था, यूके था। ओके, चाइना ऑप्शन था, कनाडा ऑप्शन था, ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन था, लेकिन राइट आंसर क्या था, यूके। आठवां क्वेश्चन, 2022 में खीरे का एक्सपोर्टर देश कौन सा बना, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर देश था इंडिया, भारत, यानी खीरे बोले तो ककुम्बर मतलब ककड़ी। नाइन क्वेश्चन, 75 संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किसकी होती है, फुटबॉल ट्रॉफी होती है, और जो किसने जीती है, केरला ने। दसवां क्वेश्चन, किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ नहीं है, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। तो कहाँ नहीं है, नागालैंड में अभी तक राज व्यवस्था लागू नहीं हुई है। ग्यारहवां क्वेश्चन, किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता, तो किसने जीता था, पीवी सिंधु ने जीता था। ऑप्शन में लक्ष्य सेन और साइना नेहवाल थे लेकिन किसने जीता था, पीवी सिंधु। बारहवां क्वेश्चन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करती हैं, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है आपके, 17 अगस्त में भी देखोगे, 18 में भी देखोगे, तो ये जो पिल्स क्या करती हैं, स्टॉप ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ओके, 13वां क्वेश्चन, राजामोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ओके, अगला 14वां क्वेश्चन, 2n = 18 है तो इसमें ऑटोसम है, गुणसूत्र कितने होंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें ऑप्शन 17 भी था, 18 भी था, 15 भी था, 14 भी था, इसका आंसर अगर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, 15वां क्वेश्चन, कैटोन फैमिली का पहला और दूसरा कंपाउंड है, अब देखो ये जो कैटोन फैमिली है, कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आने लग गए हैं और कार्बन से रिलेटेड आपको बहुत विस्तार से पूरा चैप्टर है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो कार्बन कैटोन फैमिली होती है, उसका पहला जो कंपाउंड होता है वो प्रोफेना होता है और दूसरा ब्यूटन, लास्ट ब्यूटोनोन होता है। ओके, और इसका अगर अगर अपने को केमिकल फॉर्मूला पूछे तो CH3CO CH3। ओके, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आ रहे हैं। अगला सवाल अपन देखते हैं, अगला सवाल है, इसमें से पूछा है, इसमें से एक जैसे प्रॉपर्टी वाले कौन से हैं, C3H8, C4H4, C5H8, ये हैं एल्केन, तीन सीरीज होती हैं, एल्कीन और एल्काइन, तीन प्रॉपर्टीज होती है। तो एल्केन में क्या होता है, CnH2n+2। ओके, और एल्कीन में CnS2n और एल्काइन में CnS2n-2। तो इसको लेकर अपनों सवाल सोल्व करना है, उसका राइट आंसर यही होगा ऊपर वाला जो मैंने सोल्व कर रखा है, आप भी एल्केन फैमिली से रिलेटेड निकालिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अगर आप समझ गए ना तो जितने भी रिएक्शंस वगैरह आ रहे हैं तो समझ जाओगे। पहला है A+B = C, यानी इसमें क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, A+B को मिलाकर क्या बना, C। AB + CD = AC + BD, इसमें बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा
ए प्लस बी प्लस सी ए सी प्लस बी, ये इसको होता है टूटना, टूट के एक भाग दूसरे विस्थापन, और ए बी प्लस ए बी इसको बोलते हैं डिपोजिशन, मतलब टूटा, ए को ए बी को तोड़ के ए प्लस बी बना। 18वां क्वेश्चन, एच टू और ओ टू को मिलाकर एच टू ओ बनता है यानी जल बनता है, तो कौन सी रिएक्शन है? अभी देखा अपन ने ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मेंडेलीफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो एटॉमिक मास के आधार पर किया गया। ओके, कास्टिक सोडा कहाँ यूज नहीं होता है? जहाँ जहाँ यूज़ होता है वो मैंने लिखा है। अब जहाँ यूज़ कहाँ होता है, पेपर और पल्प इंडस्ट्री में होता है, डिटर्जेंट में होता है, फैब्रिक इंडस्ट्री में होता है। अब जहाँ नहीं होता है वो ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया, तो जो नहीं होता है ये तीन तो आपको बता दिया, और जहाँ नहीं होता है वो आप वो एक जो क्लिक किया होगा वो सही आंसर होगा उसका। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका केमिकल नाम है? तो जिप्सम का नाम है, CaSO4 2 H2O। फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, हमेशा फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव किसकी होती है? वो होती है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की होती है, ध्यान रखना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस इज, जो लेंस का अगर मैग्नीफिकेशन पूछा है तो वो होता है वी अपॉन यू। ओके, और अगर अपने को पूछ लेता मिरर का तो माइनस वी अपॉन यू। ओके, और हमेशा ध्यान रखना मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का, ये ध्यान रखने वाली बात है। चौथा क्वेश्चन, किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी दिया गया है, उस मेटल को चार बराबर को बांटा गया है, तो एक भाग रो क्या होगा? मतलब आप समझिए, एक आपके पास एक वायर था, उसको आपने चार बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब आपको पूछ रहा है रो, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, कैपिटल आर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो अपॉन एल अपॉन ए। तो आप यहाँ समझिए, रेजिस्टिविटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी किसके डिपेंड पर करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। ओके, तो सबकी सेम रहेगी, क्या रहेगा इसका आंसर? रो ही रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को पैरेलल भाग में लगाया गया है, जोड़ा गया है, तो इसमें से सही कौन सा होगा? तो इससे क्या प्रतिरोध बढ़ जाएगा? दूसरा ऑप्शन है प्रतिरोध घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन है लंबाई बढ़ जाएगी, चौथा ऑप्शन है लंबाई घट जाएगी। समझना इस बात को, अगर अपन ने रेजिस्टेंस को ऐसे लगाया, ओके, तो इसका जो लास्ट क्या होगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4, यानी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, एक कोयल है जिसमें 8 टर्न है, कितने टर्न है? 8 टर्न, तो सिंगल टर्न की तुलना में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? मतलब एक तो एक भाग है और दूसरा 8 है, उसको 8 भाग में मतलब टर्न है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो समझना इसका 8 टाइम्स होगा। ओके, एन। अगला है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? अपवर्तन। ओके, और जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं, मैथ्स से एलसीएम से रिलेटेड आ रहे हैं, एचसीएफ से रिलेटेड आ रहे हैं, नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं, और रीजनिंग में आपको पूरे के पूरे मार्क्स लेके आने हैं, रीजनिंग का इजी पेपर आ रहा है। ओके, मॉडरेट लेवल आ रहा है, यानी आप 30 में से 30 ला सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।